दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नॉन स्टॉइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। आपको नाम से ही क्लियर है कि धातु आधिक्य दोष ऐसा दोष होगा जिसमें क्रिस्टल में धातु आयनों की अधिकता हो जाएगी, और धातु न्यूनता दोष ऐसा दोष होगा जिसमें क्रिस्टल में धातु आयनों की कमी हो जाएगी अर्थात न्यूनता हो जाएगी। यदि हम बात करें धातु आधिक्य दोष की, तो हमने पढ़ा है कि धातु आधिक्य दोष क्रिस्टल में दो कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला होता है रासायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष क्या होता है और इन कारणों से धातु आधिक्य दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस सब को हमने डिटेल में पहले ही डिस्कस कर लिया है। यदि आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, जहां से आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो की हमारे मुख्य टॉपिक है धातु न्यूनता दोष, तो चलिए अब इसको हेडिंग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग लगाया है धातु न्यूनता दोष, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि यह ऐसा दोष होगा जिसमें क्रिस्टल में धातु आयनों की कमी हो जाएगी। धातु न्यूनता दोष एक प्रकार का नॉन स्टॉइकोमेट्रिक दोष है, और आप जानते हैं कि नॉन स्टॉइकोमेट्रिक दोष आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो धातु न्यूनता दोष को समझने के लिए हम यहाँ पर एक आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण लेंगे। यहाँ पे हमने FeO के क्रिस्टल को लिया है, क्योंकि FeO का क्रिस्टल एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें हमको धातु न्यूनता दोष देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि जो FeO यानी फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है वो आयनिक होता है, तो यहाँ पर अवयवी कण आयन ही होंगे, तो यहाँ पे आपको आयन दिखाए गए हैं FeO के। यदि इस समय आप इस क्रिस्टल को देखें तो जो इसके आयन है अर्थात अवयवी कण है सब अपनी निश्चित व्यवस्था में है, अर्थात इस क्रिस्टल में इस समय आदर्श व्यवस्था है, अर्थात अभी कोई दोष इसमें नहीं है। यदि इस समय हम क्रिस्टल की स्टॉइकियोमेट्री को देखते हैं तो हम फेरस आयन और ऑक्साइड आयन की संख्या को गिनते हैं, तो यहाँ के दोनों की संख्या 10 है। यदि इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमको मिलता है फेरस आयन ऑक्साइड आयन का अनुपात 1:1। ये अनुपात तब हमको मिला जब क्रिस्टल में थी आदर्श व्यवस्था। अब मान लीजिए किसी कारण से यहाँ से कुछ Fe2+ आयन क्रिस्टल से बाहर चले गए अर्थात लुप्त हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक या एक से अधिक फेरस आयन लुप्त हो गए, तो इनके स्थान पे रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। अब इस रिक्तिका के उत्पन्न होने के साथ साथ इस क्रिस्टल की उदासीनता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस समय यहाँ पर आप देखेंगे तो फेरस आयन की संख्या कम हो चुकी है, जो पहले दोनों बराबर थी फेरस आयन और ऑक्साइड आयन, लेकिन फेरस आयन के बाहर जाने के बाद फेरस आयन की संख्या कम हो चुकी है अर्थात धनायनों की संख्या कम है, ऋणायनों की संख्या अधिक है, अर्थात इस समय यह क्रिस्टल ऋणावेशित हो चुका है। और आप जानते हैं कि दोष भले ही क्रिस्टल में उत्पन्न हो लेकिन उसकी उदासीनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोष उत्पन्न होने के पहले भी आयनिक क्रिस्टल उदासीन होते हैं और दोष उत्पन्न होने के बाद भी उदासीन होते हैं। तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस क्रिस्टल में उपस्थित जो Fe2+ आयन है इनमें से कुछ Fe2+ आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था या आप कहें संयोजकता को बढ़ाते हैं। आप जानते हैं Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था और +3 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों के रूप में स्थायी होता है, तो इसमें से कुछ Fe2+ आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे और Fe2+ से Fe3+ में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ से दो पॉजिटिव चार्ज फिर से बढ़ जाएगा और ये क्रिस्टल पुनः विद्युत उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पन्न होता है धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष में क्या होगा कि कुछ धातु के आयन क्रिस्टल के बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद जो
ऋणावेश उत्पन्न होगा, उस ऋणावेश को समाप्त करने के लिए कुछ धातु आयन अपनी आक्सीकरण अवस्था को बढ़ाकर उस ऋणावेश को समाप्त कर देंगे, यानी कि पुनः क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो जाएगा। अब यदि धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने के बाद हम क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री को देखते हैं तो यहाँ पे फेरस आयन की संख्या अब 9 हो चुकी है, जो कि पहले 10 थी, क्योंकि एक फेरस आयन यहाँ से लुप्त हो चुका है। और ऑक्साइड आयन पहले भी 10 था, अब भी 10 है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब अब इनका अनुपात निकालते हैं तो हमको मिलता है फेरस आयन अनुपात ऑक्साइड आयन बराबर 9:10। तो आप देखिए दोष उत्पन्न होने के पहले ये स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात जो था वो कुछ और था, और दोष उत्पन्न होने के बाद स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात कुछ अलग हो गया। अर्थात यहाँ पर जो दोष है उसको हम कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और साथ साथ आप देखें तो यहाँ पर दोष उत्पन्न होने के बाद धातु आयन की कमी हो गई है क्रिस्टल में, इसलिए इसको हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा और समझ में आ जाएगी जब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल से कुछ धनायन लुप्त हो जाते हैं जिससे उनके स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद कुछ तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करके क्रिस्टल को उदासीन करते हैं, तो उस नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष को हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष। क्लियर है? धातु न्यूनता दोष के लिए यदि हम उदाहरण देखें तो बहुत अच्छा उदाहरण होता है FeO का क्रिस्टल। FeO के क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि धातु न्यूनता दोष क्या है और किस प्रकार ये उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करें तो जो धातु न्यूनता दोष है ये केवल उन्हीं यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगी जिसमें धातु आयन परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही यहाँ वाला आयन धातु आयन क्रिस्टल के बाहर गया क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए, इन दोनों धातु आयन जो कि पहले Fe2+ के रूप में थे Fe3+ के रूप में आ गए। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धातु न्यूनता दोष ऐसे आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाली होती है। यदि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले नहीं होते तो फिर ये क्रिस्टल उदासीन नहीं हो पाता, और क्रिस्टल की उदासीनता को हम किसी भी अवस्था में भंग नहीं कर सकते। तो यदि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाले नहीं होते तो इस प्रकार का दोष भी नहीं देखने को मिलता। और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलती है संक्रमण धातुओं में, तो जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं जैसे निकिल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब बहुत ही आसानी से धातु न्यूनता दोष को प्रदर्शित करते हैं, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण FeO का क्रिस्टल है। अब धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने के बाद यौगिक के सूत्र में भी कुछ परिवर्तन आता है, जैसे यहाँ पर सूत्र हो जाएगा Fe0.95O। अब ऐसा सूत्र हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपने देखा ऑक्सीजन की तुलना में जो फेरस आयन यानी कि जो आयरन था उसकी संख्या कम हो गई है। पहले जब दोष नहीं था तो इसका सूत्र होता था FeO, यानी कि एक आयरन था एक ऑक्सीजन था, लेकिन अब आयरन की कमी हो गई है यानी कि धातु की न्यूनता हो गई है, तो एक से घटकर इसकी संख्या हो गई है 0.95, और ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं है इसलिए वह एक ही है। तो जब भी धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है तो यौगिक के सूत्र कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, और ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे Fe0.95O। आप देख रहे हैं कि आदर्श अवस्था से यहाँ पर आयरन की कमी दिखाई दे रही है आपको सूत्र में। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप सोचेंगे कि जो धातु आधिक्य सॉरी धातु न्यूनता दोष है यह एक और कारण से उत्पन्न हो सकता है, और वह कारण क्या हो सकता है कि अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु न्यूनता दोष। जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जो कि अभी आदर्श व्यवस्था में,
यहाँ पर यदि आप अनुपात निकालें तो अनुपात अभी आपने निकाला था कि फेरस आयन और ऑक्साइड आयन का अनुपात मिलेगा 1:1 का। अब मान लीजिए बाहर से कोई ऑक्साइड आयन क्रिस्टल के अंतरावकाश में आ गया। अब यदि आप देखेंगे तो इस आवेश को संतुलित करने के लिए जो Fe2+ थे वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आवेश संतुलित हो गया। यहाँ पे 2- आया था, 1+ यहाँ बढ़ गया, 1+ यहाँ बढ़ गया, तो फिर से ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो गया। अब यदि स्टोइकोमेट्रिक अनुपात को हम देखें तो देखिए Fe2+ ये 10 पहले भी था, 10 अब भी है, लेकिन O2 - है ये पहले 10 था, एक बाहर से आ गया है इसलिए अभी 11 हो गया है। स्टोइकोमेट्रिक अनुपात जो हो गया है वो हो गया है 10:11, यानी कि ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी एक कारण आप सोच सकते हैं कि अतिरिक्त ऋण आयन जब अंतराकाशीय स्थल पर आ जाएंगे तो इससे भी धातु की संख्या कम पड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो धातु आयन है ये 10 रह गए हैं और ऑक्साइड आयन इससे बढ़ गए हैं, यानी कि धातु की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको भी हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस प्रकार से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो बात को समझते हैं इस लैंग्वेज से, अतिरिक्त ऋण आयन के अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऋण आयन का आकार सामान्यतः बड़ा होता है जिससे वे अंतराकाश में व्यवस्थित नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जो ऋण आयन है ये आकार में काफी बड़ा है इसलिए यह अंतराकाश में नहीं आ पाता है, तो इस प्रकार से धातु न्यूनता दोष नहीं उत्पन्न हो पाते। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि धातु न्यूनता दोष केवल एक ही प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, और वो भी कब, जब धातु आयन क्रिस्टल से लुप्त हो जाए। अतिरिक्त ऋण आयन के क्रिस्टल के अंतरावकाश में आने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऋण आयन का आकार इतना बड़ा है कि वो अंतरावकाश में व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमारी परीक्षा में आता है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि Fe0.95O में Fe3+ आयनों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचिएगा, इसको सलूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, तब तक आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको